फ्रेंड्स, वेलकम टू कुष्मांडा एकेडमी। अगर आप बहुत अधिक पढ़ाई करने के बावजूद अपने आप को और अपने ज्ञान को प्रस्तुत करना नहीं जानते हो तो हो सकता है साक्षात्कार की दौड़ में आप पीछे रह जाएं। चलिए तो मैं बात करता हूँ आज आपसे साक्षात्कार या इंटरव्यू भाई चयन का आधार क्या होता है, ठीक है, क्या बातें होती हैं, इंटरव्यू से क्या मतलब होता है, ठीक है, और हमें किस तरीके से अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे आपका यूपीएससी है, आपका एसटीएस है, आरएएस की अगर मैं बात करूं, पीसीएस की बात करूं, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी में आपको कहीं ना कहीं इन टिप्स से हेल्प मिलेगी। चलिए तो वास्तव में साक्षात्कार प्रक्रिया द्वारा प्रत्याशी के विभिन्न पहलुओं को जांचने परखने की कोशिश की जाती है, ठीक है, इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, पहला सवाल तो यही है। तो जो आपका प्रत्याशी है उसके विभिन्न पहलुओं को देखने समझने की कोशिश करती है कोशिश की जाती है। आपकी सोच किस प्रकार की है, आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है, देखो किताबी नॉलेज तो आपके पास है, तभी आप इंटरव्यू तक गए, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया या आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, ठीक है, तो आपकी सोच किस प्रकार की है, आप किसी समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं, इंटरव्यू में काफ़ी सारी बातें होती हैं, और आप दबाव में कैसा रुख अपनाते हैं। आप चार या पांच अनजान लोगों के सामने बैठे होते हो और उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछने होते हैं, ठीक है, तो दबाव में प्रेशर में आप कैसा रुख अपनाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको जिनकी जांच और परख की जाती है। तो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर यह सिद्ध होता है कि आप उस पद के योग्य हैं, ठीक है, आपने रिटन क्वालिफाई किया, आपने बात साबित कर दी, लेकिन यहाँ आपकी योग्यता का आधार केवल आपका ज्ञान है। साक्षात्कार परीक्षा आपके व्यक्तित्व एवं ज्ञान की पराकाष्ठा के परीक्षण की एक ऐसी कसौटी है जिस पर खरा उतरने के बाद ही आप वांछित पद पा सकते हैं, ठीक है, तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके ज्ञान की पराकाष्ठा का परीक्षण है, ठीक है, तो वो सब इंटरव्यू में देखा जाता है। तो साक्षात्कार रूपी इस दौड़ में सफल होने के लिए आपको कुछ साधारण लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को पेश करना आना चाहिए, ठीक है, शुरुआत मैंने यहीं से की थी, इसी सेंटेंस से की थी कि आपको अपने आप को पेश करना आना चाहिए। तो ये सिर्फ बात इंटरव्यू की नहीं है, ये हमारे समाज में जब हम रहते हैं, ठीक है, समाज में रहते हैं जिसमें भी, उस समाज में भी आपको अपने आप को पेश करना आना चाहिए, तो इंटरव्यू में भी देखा जाता है। अन्यथा आप योग्य होते हुए भी, आपके पास बहुत काबिलियत है, जी की आपकी बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको अपनी बात प्रेजेंट करनी नहीं आती, योग्य होते हुए भी आप अपनी मंजिल को पाने में नाकाम रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने आप को पेश करना आना चाहिए, तो आप विचार कर सकते हो। दूसरी बात, साक्षात्कार में सफलता का प्रथम आधार आपकी संबंधित विषय की तैयारी है। देखो, जो भी आपने सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं रखे हैं तो उनकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो जो भी आपका सब्जेक्ट विषय रहा है उसका गहन अध्ययन होना चाहिए, तो संबंधित विषय का सारगर्भित और उत्तम ज्ञान ही वह प्रथम कुंजी है जहाँ से सफलता का मार्ग खुलता है। अगर मान लो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, एससीएस की, यूपीएससी की, आरएएस की, दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो वहाँ पर क्या है ना, जो आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं, वैकल्पिक विषय रखे हैं या ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, वो वहाँ से दो तीन चार सवाल आपसे ज़रूर पूछेंगे। कई बार अच्छा आत्मविश्वास भी साक्षात्कार लेने वालों को आकर्षित करता है, लेकिन बिना ज्ञान केवल आत्मविश्वास या अच्छा ज्ञान और कमज़ोर आत्मविश्वास घातक सिद्ध होता है, ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, उन जो आप रिटन क्वालिफाई करके आए हो, तो आप अच्छे से देख कर जाओ फिर से दोबारा से, ठीक है, और उसमें हम आपकी भी मदद कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी फ्रेम करके देते हैं इंटरव्यू के लिए, कि वो अलग से आप फोन कर लीजिएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए अलग बनते हैं। चलिए तो अब मैं अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, संतुलित व्यक्तित्व का प्रदर्शन कीजिए। जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब शिष्टाचार के साथ संतुलित शब्दों में दीजिए, ठीक है, आप बात समझ रहे हो, बड़े विनम्र आप रहो, ठीक है, विनम्र रहो, और जो वर्ड्स है ना आपके नपे तुले वर्ड्स में अपनी बात करो, ऐसा ना हो कि आपने जवाब देना शुरू किया और अपने जवाब में आपने तीन और चार सवाल और खड़े कर दिए, ठीक है, उससे क्या होते हैं, जो कैंडिडेट हैं उलझते चले जाते हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं और उन्हीं के जवाब में से सवाल पे सवाल पूछते जाते हैं, सोच समझ कर संतुलित वर्ड्स में, संतुलित शब्दों में आप अपनी बात करिए।
कई बार प्रश्न का जवाब आने पर प्रतियोगी अपना सारा ज्ञान एक प्रश्न के जवाब में दर्शाने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरह का प्रदर्शन साक्षात्कार लेने वाले को भी बोर कर सकता है। ठीक है, तो बहुत ही जो है आपने लिमिटेड वर्ड्स में सही जवाब देने की प्रैक्टिस करनी है। सामान्य शिष्टाचार जैसे आपका अभिवादन विश करते हैं, जैसे कि हम नमस्ते वगैरह, बैठने के लिए आज्ञा आदि को तो भूलिए ही मत। साथ ही अपनी वेशभूषा का भी ध्यान रखें। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, रूम में एंट्री करते हैं तो कुछ लोग हमने देखा कि वो बस कुर्सी पर आकर बैठ गए, ठीक है, कुछ लोग भी करना भूल जाते हैं। तो अभिवादन भी कीजिए और बैठने के लिए भी आज्ञा दीजिए, अच्छा रहता है। बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित रखिए, हड़बड़ाहट में फाइल गिराना, बार बार हाथ हिलाना, पसीना पोंछना आपके आत्मविश्वास की कमी को प्रदर्शित करने वाली आदतें हैं। बॉडी लैंग्वेज आप समझ लो हड़बड़ाना नहीं है आपने, और जैसे कई बार फाइल भी गिर जाती है, बार बार पसीने आने लग जाते हैं, हाथ हिलाते हैं कुछ लोग, जैसे कि हम अपने एंट्री बोर्ड में मॉर्निंग यूज कराते हैं, सब हम देखते हैं। तो इसलिए साक्षात्कार में जाने से पहले आईने के सामने या दोस्तों परिवार के सदस्यों के सामने अभ्यास करिए ताकि उपयुक्त समय पर कोई गड़बड़ी ना हो। बॉडी लैंग्वेज के साथ आवाज की स्थिरता को भी बनाए रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग, आवाज में कंपन, जल्दी जल्दी या हड़ बढ़ाकर बोलना, ऐसी गलतियां हैं जो अधिकांश जल्दबाजी में लोगों से होती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखो। जो भी आप मॉक इंटरव्यूज आप कराते हो, ठीक है, हम भी मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, तो आप उन वीडियोस को बार बार आप देखो कि क्या कुछ आप वर्ड्स बार बार बोलने की आपको आदत है। अगर ऐसा है तो आपने देखना है। उसके अलावा आवाज में आपके कंपन नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नजर नहीं आए, ठीक है, जल्दबाजी नजर नहीं आए, ठीक है। हमने कई सारे मॉक इंटरव्यूज अपनी यूट्यूब चैनल पर भी डाले हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको लिंक नहीं मिल पाए तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। साक्षात्कार के लिए अक्सर युवा कपड़ों से लेकर बायोडाटा तक की तैयारी का ध्यान रखते हैं। अगर साक्षात्कार पहली बार हो तो तैयारी के बहुत मायने रखते हैं, लेकिन चीज के बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जो बोर्ड के मेंबर है सब कुछ एक एक पॉइंट नोट करते हैं, ठीक है। तो जिस विभाग में आप नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी जुटा लें। जैसे पीछे हमने इंटरव्यू में सवाल पूछा था, एचपीएससी का इंटरव्यू चला हुआ था, उनके चेयरमैन का नाम पूछा था, कई स्टूडेंट उनका चेयरमैन का नाम भी नहीं जानते थे, ठीक है। जिस कमीशन में आप जा रहे हो उसके चेयरमैन का नाम ना पता होना बड़े हैरत की बात थी। तो साक्षात्कार के दौरान कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, जैसे आपने पहले कहाँ नौकरी की थी, या आपके पास कितना अनुभव, कैसा अनुभव, या अपने बारे में कुछ बताएं आदि प्रश्नों के अलावा कुछ टेक्निकल सवाल भी हो सकते हैं जिनका संबंध आपकी पढ़ाई से हो सकता है। इन सवालों के जवाब पहले से तैयार करो। देखो, जो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू के लिए, कि हम हमेशा प्रोवाइड करते हैं, सारे हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं इसको लेकर, तो कुछ ऐसे सवाल हैं इनको हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन होती है। जो आप डाटा, जो आप बायोडाटा या जो भी आप हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हो उस पर हम जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन और उनके आंसर फ्रेम करके स्टूडेंट्स को देते हैं। भाई, आपसे यहाँ से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, तो आप जरूर जो है उन्हें देखो, ठीक है। हमारी हेल्प आप जरूर दो, क्योंकि इंटरव्यू का मौका बार बार तो मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से आज के ज़माने में रिटर्न क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो लें और एक बार इसकी तैयारी भी कर लें। याद रखें, साक्षात्कार में बिना तैयारी बिल्कुल ना जाए, ठीक है। तो एक्सपर्ट सपोर्ट, तो कुष्मांडा अकेडमी आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगी, और हमने बहुत मदद की है स्टूडेंट्स की इंटरव्यू के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो इंडिविजुअली हम तैयार करके देते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बात का बुरा मत मानना, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपकी ज़्यादा मदद अच्छे से कर सकते हैं। साक्षात्कार के स्थान पर समय से पहले पहुंचे, हो सके तो आधा घंटा वहां बिताएं ताकि आप उस माहौल में अपने आप को सही तरीके से ढाल सकें और साक्षात्कार के दौरान नर्वस ना हो। मन में ऐसा कोई संदेह बिल्कुल ना रखें कि आप साक्षात्कार अच्छा नहीं दे पाएंगे। सकारात्मक सोच बनाए रखें, बात समझ रहे हो आप। हमें 1% भी निगेटिविटी माइंड में नहीं आनी चाहिए कि मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होगा इंटरव्यू में जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत पॉजिटिव माइंड सेट से आपने जाना है, ठीक है, और कोशिश करो आप एटलीस्ट आधे घंटे पहले पहुंचो।
है, कई बार जब हम यहाँ इंटरव्यू करवाते हैं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, वो हड़बड़ी में नजर आते हैं, घबराहट नजर आती है। चलिए, ज्यादातर साक्षात्कार के दौरान फॉर्मल कपड़े ही पसंद किए जाते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका पहनावा सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ है। इस कारण आप व्यक्तित्व निखार के लिए ऐसे ही फॉर्मल कपड़ों का चयन करें। आपका खुश मिजाज होना साक्षात्कार के दौरान माहौल को काफी खुशनुमा बना देगा। इसके अलावा आपकी मधुर मुस्कान, हाथ मिलाने का तरीका, आंखें भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। बात समझ रहे हो? मधुर मुस्कान, हाथ मिलाने का तरीका, आंखें भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, और अगर इनका प्रयोग आपने सही तरीके से कर दिया तब आपका इम्प्रेशन काफी अच्छा पड़ सकता है। ठीक है, काफी अच्छा पड़ सकता है। तो हमारे कई स्टूडेंट्स थे इस बार SCS में जिन्होंने जिनका जो है सिलेक्शन हुआ। अगर हम बात करें अंकिता की, अगर हम बात करें अभिषेक सांगवान की, ठीक है, तो और जो है इसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू हुआ था। उन सभी के नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, एकदम क्लिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात कही, प्रेजेंट भी किया, बहुत अच्छा इंटरव्यू उनका हुआ था। चलिए, तो जो हम इंटरव्यू करवाते हैं उसकी वीडियोस आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप खुद भी अपनी कमियां, हम कई बार खुद से भी हमें कई बातें अपनी खराब लगती हैं वो आप देख पाएं। अक्सर यह देखने में आता है कि साक्षात्कार मंडल के सदस्य एक से ज्यादा होते हैं, सदस्य एक के बाद एक प्रश्न पूछते हैं, और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप सभी सदस्यों से मुखातिब होते हुए सवालों का जवाब दें। जिसने भी सवाल पूछा है तो आप उनकी तरफ भी देखो, और जो दूसरे सदस्य हैं आप उनकी तरफ भी देखो। ठीक है, कभी भी साक्षात्कार लेने वाले को बीच में ना ना टोके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका पॉइंट है ये। और साक्षात्कार में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप कोई नौकरी छोड़कर आए हैं तो संस्थान विभाग, उस विभाग की आप बुराई ना करें। जहाँ से भी आप पहले नौकरी आप करते हो वहाँ पर, तो बहुत पॉजिटिव तरीके से आपने बात कहनी है। और साक्षात्कार समाप्त होने के बाद बोर्ड को धन्यवाद कहना ना भूलें। तो इसकी ये तो मेन मेन बातें थी, कुछ और बातें भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि इंटरव्यू तो आपने देना है, अगर आपने सिलेक्शन लेना है तो इंटरव्यू तो आपने देना होगा। तो कुछ और पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूँ साक्षात्कार के लिए, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स कह सकते हो आप, ठीक है, जिनका आपने और ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। तो साक्षात्कार के लिए जाते समय अपने मन में हीन भावना से मुक्त रहें, हम पहले बात कर चुके हैं अभी। और यदि आपका शरीर क्षीण एवं दुर्बल है तो भी किसी प्रकार की हीनता का भाव मन में ना लाएं। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में शरीर की अपेक्षा ज्ञान का अधिक उपयोग होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? जीवन में शरीर की अपेक्षा ज्ञान का अधिक उपयोग होता है, तो आपने अपने अंदर हीन भावना ना लाएं कि भाई मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, मैं देखने में कैसा हूँ। ठीक है, ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं। तो बिना अनुमति के साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करना शिष्टाचार के विरुद्ध है, तो इसलिए परमिशन आप जरूर लें। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व वस्त्र परिधान, अपने केश आदि को व्यवस्थित कर लेना अच्छा प्रभाव अभिव्यक्त करता है, और साक्षात्कार कक्ष में अनुमति लेकर प्रवेश करना चाहिए। और साक्षात्कार कक्ष जो आपका इंटरव्यू रूम होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिंदी बिल्कुल टिपिकल हो रही है, तो आप घबराएं नहीं। ठीक है, तो भीतर कक्ष को नियत स्थान कुर्सी पर जब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक कि बैठने के लिए कहा ना जाए, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके बाद आप धन्यवाद अवश्य कहिए। और साक्षात्कार कक्ष यानी कि इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते ही अभ्यर्थी को बोर्ड के मेंबर्स का औपचारिक ढंग से अभिवादन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो हमारे कई सारे स्टूडेंट कामयाब हुए हैं उन्होंने सब बहुत अच्छे से जो है विश किया, बैठे भी, तो आपने भी वो सब चीज़ें अपनानी है। तो इंटरव्यू बोर्ड के सामान्य व सहज गति से प्रवेश करना चाहिए, जैसे आप रूम में एंट्री करते हो। कई बार तो रूम बड़े होते हैं, वैसे छोटे भी होते हैं, तो आप बड़े आराम से आप जाइए। और ध्यान रखें कि इंटरव्यू रूम में तीव्र गति से प्रवेश करना अथवा तीव्र गति से रूम को छोड़ना अनुचित है, ना तो आप तेजी से जाओ और ना तेजी से आओ, तो ये आपकी घबराहट दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि वो जैसे आप एंट्री कर रहे होते हो तो आपकी पूरी निगाह सभी बोर्ड के मेंबर्स के आदि के ऊपर होती है, तो आप आराम से जाइए, आराम से बैठिए। और अनुपयोगी कागजों अथवा अपने निजी उपयोग की किसी वस्तु को मेज पर ना रखें। कुर्सी पर बैठने के उपरांत अपने हाथों को मेज पर ना रखें। बोलते समय स्वाभाविक बने रहें, किसी प्रकार की कृत्रिमता
उस पर आपने आर्टिफिशियल नहीं होना है, आपने नेचुरल रहना है, स्वाभाविक मतलब नेचुरल रहिए, जैसे हो आप वैसे रहो। पूरा प्रश्न सुनने और समझने के पहले उत्तर नहीं देना चाहिए, देखो सवाल पूछने वाले का भी अधिकार होता है, ठीक है, तो आप उसका सवाल जो है पूरा जरूर सुने, तो पहले उत्तर ना दें एवं सटीक उत्तर देना चाहिए, और इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों को गुमराह और भ्रमित करने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है उन्हें नॉलेज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बड़े सहज होते हैं, ठीक है, और काफ़ी एज उनकी होती है, तो हर बात को हर जवाब को बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को उदासीन और हताश नहीं दिखना चाहिए, बड़े मोटिवेटेड से आप रहो, ठीक है, डल से ना रहो। अभी अभ्यर्थी को आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, सवाल का जवाब पूरा हो गया, बात खत्म, तो प्रश्न का उत्तर देने से बचने का प्रयास प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देखो तो सवाल अगर पूछा गया तो आप जवाब जरूर दें, अवॉइड करने से बचें। किसी भी दशा में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, कैसा भी माहौल बन जाए आपने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। असंगत तर्क ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इंटरव्यू बोर्ड के सदस्यों के समक्ष संदेह एवं अनिश्चय को प्रकट न होने दें। इंटरव्यू के समय किसी प्रश्न का उत्तर देते समय अभ्यर्थी को किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। देखो एक चीज हो रहा है, जो अगर मेरी किसी पॉइंट को आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो जरूर पूछ लेना कि आप मेरी बात क्या नहीं समझ पाए, ठीक है, तो मैं जवाब जरूर दूंगा। प्रश्नों का उत्तर देते समय किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दंभ या चाटुकारिता का अभ्यास मिले, ठीक है, कहीं भी आपने चापलूसी शो नहीं करनी है, ठीक है, कहीं भी आपने घमंड शो नहीं करना है। ध्यान रहे शिष्ट और विनम्र अभिव्यक्ति या प्रस्तुतिकरण से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इंटरव्यू के समय अपने मन मस्तिष्क में किसी प्रकार की हीनता की भावना नहीं अपनानी चाहिए। बोलने के ढंग में स्वाभाविकता, शिष्टाचार, ज्ञान और समन्वय होना चाहिए। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह ध्यानपूर्वक सुनने और समझने के बाद ही उत्तर दें। सवाल को आप अच्छे से समझ लें, आपका टाइम भी ले ले सकते हो। और देखा था हमने अपने मॉक जो इंटरव्यूज हमने करवाए थे, कई स्टूडेंट जो अभी SDM और तहसीलदार की पोस्ट पर लगे हैं, उन्होंने कई सवालों पर हमसे जो है टाइम लिया और फिर बहुत अच्छे जवाब दिए। कई बार एकदम जवाब क्लिक नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने सवाल पूछा और आप तुरंत जवाब देना चाह रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त किंतु सटीक होने चाहिए, ब्रीफ में आप दीजिए। और इंटरव्यू हेतु अभ्यर्थी को अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुरूप संबद्ध विषयों का गहन अध्ययन करना चाहिए, पहले मैं बात कर चुका हूँ। और इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को इतिहास, संस्कृति, भूगोल, मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो अभी हमने बात की ना वो जो आप पढ़कर आए हो तो वो सब नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। और जहाँ भी वो रहते हैं स्टेट में, जिले में, तो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए उन्हें, उनका जो शहर का नाम, गांव का नाम, जिले का और स्टेट के बारे में उनकी पूरी GK अच्छे से तैयार होनी चाहिए, जिस भी क्षेत्र से वो आए, ठीक है, तो पूरा पता होना चाहिए, तो उसकी तैयारी करके आप जाओ। और अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय पूरी अवधि में प्रसन्नचित्त, तरोताजा, मानसिक रूप से संतुलित रहना चाहिए। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, दोबारा से रिपीट हुआ है पॉइंट, किसी भी कारण या परिस्थिति वश अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय उत्तेजित या विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे बाध्य करने का प्रयत्न ही क्यों ना किया जाए, ठीक है। एक बार पीछे मैं 2011 वाले SCS की बात बताता हूँ, एक हमारी स्टूडेंट थी, ठीक है, तो इंटरव्यू बोर्ड ने थोड़ा सा रूडली उनसे थोड़ा सा बात की, ठीक है ना, और वो थोड़ा सा घबरा भी गई थी, ठीक है, तो आप जो है ना अपने आप को जो है विचलित ना होने दें किसी भी तरीके से। हालांकि वो अगले इंटरव्यू में जो है उनका सिलेक्शन हुआ, फाइनली सिलेक्टेड हैं, अभी SCS ऑफिसर हैं, तो कहीं भी जो है आप जो है इस बात का ध्यान रखें। जब बोर्ड का कोई सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न करे तो यथासंभव उसके प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में ही दें, ताकि बोर्ड के सदस्यों को यह विश्वास हो कि हिंदी में साक्षात्कार देने का अर्थ यह नहीं कि उम्मीदवार को अंग्रेजी बोलना नहीं आती। ये हिंदी के लिए भी है, देखो एक बार मैं बता दूँ, इंटरव्यू बोर्ड में जो है आपका इंग्लिश मीडियम है, तो आप जो है आपसे किसी ने अगर हिंदी में सवाल पूछा है तो आप कोशिश करो कि उनका जवाब आप हिंदी में ही दे दो। इंग्लिश में कोई पूछता तो इतनी इंग्लिश, जब आप इतने बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश करो कि उनका जवाब आप इंग्लिश में देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यही बात अंग्रेजी मीडियम के संबंध में भी है, ये बात मैंने आपको बता दी है, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल आप रखें, ठीक
इस बात का बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये मैं पॉइंट्स आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपकी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आप सोच भी नहीं सकते जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए। और इंटरव्यू रूम में पूरी कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए, ना कि आगे झुककर। बैठने के बाद दाहिने पैर को बाएं पैर से थोड़ा सा अलग रखें, यह आत्मविश्वास का सूचक है। ठीक है, बैठने का तरीका बता दिया मैंने। और उच्चारण जो आप बोलते हो बहुत साफ होना चाहिए, आवाज़ बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। तो मॉक इंटरव्यूज की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है। तो जो हमारे प्रोग्राम हमेशा चले हुए हैं, आजकल हमने मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन भी शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे आजकल ऑनलाइन भी मॉक इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। तो जो भी आपके इंटरव्यूज हैं, जैसे कि RAS वाले इंटरव्यू हमारे अभी चले हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप साक्षात्कार में कुछ गलत बोल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है हम कुछ गलत बोल जाते हैं, यदि बोर्ड के सदस्य आपका ध्यान उस गलती की ओर दिलाएं, तो आप अपनी गलती तुरंत स्वीकार करें, उसके लिए खेद प्रकट करें, अपनी गलती को सुधार लें। ठीक है, तो उनसे आप बहस ना करें। ध्यान रखना, आपने जिस या जिन विषयों के साथ डिग्री या ऑनर्स अथवा स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पूरी की है, आपको उस विषय विशेष या अन्य विषयों का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। साथ ही समसामयिक घटनाओं पर भी आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स तो आपके बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, और डिग्री वाले सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इन सब की बात तो मैं आपसे कर चुका हूँ पहले ही। और इंटरव्यू में भरे जाने वाले फॉर्म में हॉबी, देखो हॉबीज जो होती है, जैसे मान लो किसी का योगा होता है, किसी का क्रिकेट देखना होता है, और किसी का कुछ किसी या कुछ काफ़ी सारी आपकी हॉबीज हो सकती हैं। म्यूजिक हो सकता है, गाना सुनना हो सकता है, लिखना हो सकता है, काफ़ी सारी हॉबीज होती हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में किसी की देखा देखी ना करें और ना दूसरों से प्रभावित हो। जो भी आपका और कोई हॉबी है, किसी भी तरीके की, खाना पकाना है, कुकिंग है, एनीथिंग, ठीक है, तो आप अपनी हॉबी ही बताएं। और साथ जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन का न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ के आए, क्योंकि न्यूज़पेपर का भी एक सवाल उस बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, वो जरूर पूछने की कोशिश करते हैं। जो मेरे साथ मेरे बोर्ड के मेंबर्स रहते हैं, तो कई लोगों को मैंने देखा कि वो हमेशा पूछते हैं। ठीक है, आपको वहाँ जो है, जो आपका इंटरव्यू होगा कमीशन में, तो वहाँ भी आपसे उस दिन में जो बातें चल रही हैं उस पर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ ये टिप्स थे। बाकी मॉक इंटरव्यूज के लिए हमारे जो है ऑनलाइन भी हमने शुरू करवा दिए हैं, जैसे कि कोरोना का मुद्दा चला हुआ है अभी, तो आजकल ऑनलाइन ऑनलाइन मॉक हम करवा रहे हैं। किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से किए जा सकते हैं, तो वो सब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपके आपसे किसी नए टॉपिक पर। और ये आज की वीडियो आपकी बहुत मदद कर। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।